हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, आज हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर क्या है बच्चों? विलोम शब्द। ओके, और ये काम आप लोग को कहाँ करना है, तो आपने हिंदी की CW कॉपी में अपने अभी तक जो भी काम किया है उसके जस्ट आगे से ही आपको ये काम करना है। ठीक है, आपने जहां तक, वापस से सुन लीजिए बच्चों, सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की CW कॉपी निकालनी है और हिंदी के CW कॉपी में आपने अभी तक जहां तक काम किया है उसके ही आगे से आपको ये काम करना है। ये हमारा हिंदी ग्रामर है। ठीक है, सर ने आपको हिंदी रीडर कराया होगा और ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो बच्चों हिंदी ग्रामर में आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है विलोम शब्द। ओके, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे अपोजिट का मतलब हो गया दिन, है ना, तो दिन का उल्टा यानी कि अपोजिट क्या होगा? रात। तो हम लोग विलोम शब्द में बच्चों क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द का मतलब होता है जस्ट उल्टा। तो विलोम शब्द की डेफिनेशन आपको लिखना होगा, तो हम लिखेंगे ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब हम कुछ विलोम शब्द देखेंगे। जैसे अब देखिए, मोटा, मोटा का मतलब क्या हो गया? बहुत ऐसे मोटा। ठीक है, तो मोटा का उल्टा क्या होगा बच्चों? अपोजिट, पतला। ठीक है, तो मोटा का विलोम शब्द है पतला। नर, नर का मतलब होता है बच्चों आदमी। ठीक है, तो नर का अपोजिट हम औरत नहीं बोलेंगे, जब आपको आदमी बोला जाएगा तो आदमी का अपोजिट हम बोलेंगे औरत। अभी आपको बोला जा रहा है नर, तो नर का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? नारी, नारी मतलब स्त्री, है ना, फीमेल। ठंडा, बहुत ठंडा है, ओहो ये पानी तो बहुत ही ठंडा है, तो दूसरा अपोजिट क्या होगा? कि पानी बहुत ही गर्म है। ठीक है ना, तो ठंडा का अपोजिट होगा गर्म। अंधकार, है ना, कमरे में अंधेरा हो तो हम क्या बोलेंगे? ओहो कमरे में तो बहुत अंधकार है, है ना। और अंधकार का अपोजिट क्या होता है बच्चों? प्रकाश, कितना अच्छा प्रकाश है ना, कितनी अच्छी लाइटिंग है, तो प्रकाश का मतलब अंधकार यानी कि अंधेरा और प्रकाश यानी कि उजाला। ठीक है, तो अंधकार का अपोजिट क्या होगा बच्चों? प्रकाश। उदय, उदय का अपोजिट होता है अस्त, है ना। जैसे हम कहेंगे सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है ना, अभी सूर्य उदय हो रहा है, तो किसी ने बोला कि सूर्य अभी अस्त हो रहा है। ठीक है ना, तो उदय का मतलब होता है निकलना, जैसे सूरज निकल रहा है, और सूरज अस्त हो रहा है मतलब सूरज जा रहा है, वापस जा रहा है। ठीक है, तो उदय का अपोजिट क्या होगा बच्चों? अस्त। सुख, सुख का अपोजिट होता है दुख, है ना। सुख का मतलब मैं यहाँ बहुत ही सुखी हूँ, ठीक है ना, मुझे यहाँ बहुत सुख है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कि मुझे यहाँ बहुत ही दुख है। सावधान, है ना, सावधान का अपोजिट क्या होता है बच्चों? असावधान। सावधान यानी कि हमको हमको जो है रोड पर जब हम चलते हैं तो हमको वहां पर सावधान होना चाहिए। ठीक है, और उसका अपोजिट क्या होगा? कि यदि हम असावधान रहते हैं तो दुर्घटना होती है। ठीक है ना, तो असावधान उसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट बच्चों, फुर्ती। ठीक है ना, फुर्ती का मतलब क्या होता है? कि ये काम फुर्ती करो, है ना, क्विकली, क्विकली मतलब क्विकली काम करना है, फुर्ती से काम करना है। तो फुर्ती का अपोजिट क्या होता है? आलस, है ना, वो तो बहुत ही आलसी है, बहुत ही आलस उसके अंदर भरा हुआ है और ये बहुत ही फुर्ती से काम करता है, तो फुर्ती का अपोजिट होता है आलस। नेक्स्ट बच्चों, बहादुर। बहादुर का अपोजिट क्या होगा? डरपोक, है ना, राम एक बहादुर लड़का है और श्याम एक डरपोक लड़का है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अपोजिट होता है परतंत्रता। ठीक है, हमारी देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता मतलब आजादी प्राप्त हुई, अब हम लोग अपने हिसाब से इंडियन जो है अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से रह सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और पहले हमारा देश क्या था? परतंत्र था। ठीक है ना, हमारे देश की में परतंत्रता थी यानी कि हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ब्रिटिश के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता था। नेक्स्ट बच्चों, आदर। आदर का अपोजिट होता है अनादर। ठीक है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो आदर का अपोजिट होता है अनादर। नेक्स्ट है जान। जान का अपोजिट होता है अनजान। जान का मतलब फैमिलियर, है ना, मतलब इनको मैं जानता हूं, है ना, ये मेरी जानकारी में ये चीज, और ये मेरे से अनजान है ना, मैं नहीं जानता, अपरिचित। ठीक है, अनजान।
रुचि, रुचि का अपोजिट होता है बच्चों अरुचि, है ना। हमें पढ़ाई में रुचि होनी चाहिए, हमें पढ़ाई में अरुचि नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए हमको पढ़ाई में, ठीक है, रुचि अरुचि। ज्ञान, ज्ञान का अपोजिट क्या होगा बच्चों, अज्ञान, ठीक है। मुझे हिंदी का ज्ञान है, मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है, नहीं है ज्ञान, इसको हम बोलेंगे अज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान का अपोजिट अज्ञान। साहसी, साहसी का मतलब क्या होगा, वही जैसे मैंने बहादुर वाली बात बोली थी ना, साहसी का मतलब अंदर से करेज है ना, मतलब करेज है, मतलब इस काम को करने का साहस है। तो साहसी का अपोजिट क्या होगा, साहसी का अपोजिट होगा कायर या डरपोक, ये कायर है, डरपोक है ये, इसके अंदर साहस नहीं है। नेक्स्ट होता है दायां, दायां, दायां का अपोजिट होता है बायां। लाभदायक है ना, फल तुम्हारे लिए लाभदायक है और चाय तुम्हारे लिए हानिकारक है। तो लाभदायक का मतलब जो तुमको, तुम्हारे लिए अच्छा है, और हानिकारक जो तुम्हारे लिए बुरा है, ठीक है। तो लाभदायक का अपोजिट होगा हानिकारक। मालिक, मालिक वो होता है जो कि, मतलब जिसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, एक सिस्टम है, कोई इंस्टीट्यूट है जो जो उसको चलाता है, वो मालिक हो गया, और जो उसमें काम करते हैं वो मजदूर हो गए। तो मालिक, मालिक का अपोजिट क्या होता है बच्चों, मजदूर। पालतू, पालतू का मतलब कि जिस जानवर को हमने पाल के, डॉगी को हमने पाल के रखा है तो वो पालतू है, और जो जंगल में जानवर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं जंगली। तो पालतू का अपोजिट होता है जंगली। सुगंध, अच्छी खुशबू आ रही है ना, फ्रेग्रेंस है ना, गुलाब का फूल है उसमें अच्छी खुशबू आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुगंध, ठीक है। और कहीं कचरा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, तो उसमें से क्या आ रही है बच्चों, दुर्गंध। सुगंध हमको अच्छा फील कराता है और दुर्गंध हमको बहुत ही ऐसे गंदा फील कराता है, ठीक है। तो सुगंध का अपोजिट दुर्गंध। मौखिक, मौखिक का मतलब बोलकर, जैसे आप, मैं जो पढ़ा रही हूँ अभी, मैं मौखिक आपको बोल करके समझा रही हूँ, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका लिखित दूंगी, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है ये इसका दे दूंगी, ताकि आप लोग नोट्स इसको अच्छी तरीके से राइट डाउन कर सके। तो ये मौखिक है, इसके बाद आपको क्या लिखने मिलेगा, लिखित है ना, लिखा हुआ। मित्र यानी कि फ्रेंड, जो हमारा फ्रेंड होता है, ठीक है, दोस्त है, दोस्त है यानी कि मित्र है। मित्र का अपोजिट क्या होगा बच्चों, शत्रु है ना, शत्रु यानी कि जिसको हम पसंद नहीं करते, मित्र जिसको हम पसंद करते हैं, हमारा दोस्त है। नेक्स्ट है कमजोर, है ना, कमजोर का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है। जैसे मैं बहुत ही कम, या राम बहुत ही कमजोर है और श्याम बहुत ही ताकतवर है ना, ताकतवर है। नेक्स्ट है अपना, है ना, ये अपना है ना, ये मेरे अपने हैं और ये पराए हैं, ठीक है ना। तो अपना, अपना का अपोजिट पराया। उपयोगी, उपयोगी का मतलब कि बुक हमारे लिए उपयोगी है, ये हमारे काम आता है, जैसे ये पेन है ना, पेन हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। और कोई चीज हम ले लेते हैं, कोई खराब पेन है, तो उसको बोलेंगे कि ये हमारे लिए अनुपयोगी है, उसको हम उपयोग नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, तो उपयोगी का अनुपयोगी। प्रशंसा, प्रशंसा यानी कि कॉम्प्लीमेंट देना है ना, तारीफ करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना, वाह ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, और किसी की निंदा करना, बहुत बदमाश लड़का है, ठीक है। तो प्रशंसा, प्रशंसा का अपोजिट क्या होता है, निंदा। बीमार, कोई बीमार है तो हम कहते हैं अरे ये तो बीमार है ना, ऐसे पड़ा हुआ है, और कोई स्वस्थ है, देखो एकदम स्वस्थ है, ठीक है। तो बीमार, बीमार का अपोजिट क्या होता है बच्चों, स्वस्थ। देशी, देशी का मतलब होता है जो अपने घर, अपने देश में जो चीज बनता है, जो देश में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं देशी, और जो विदेश में पाया जाता है, मतलब अपने देश से बाहर वाला जो देश होगा उसको हम कहेंगे विदेशी। तो देशी का अपोजिट विदेशी। प्राचीन, प्राचीन का मतलब बहुत पहले समय का, ठीक है, और नवीन का मतलब नया, ठीक है। प्राचीन समय में ऐसा होता था, ठीक है, नवीन, प्राचीन समय में ऐसे वाले फोन हुआ करते थे, वो लैंडलाइन। नवीन समय में क्या है, नवीन समय में जो है ये स्मार्टफोन, मोबाइल ऐसे पाए जाते हैं। तो प्राचीन का मतलब पहले और नवीन का मतलब अभी नया। सच्चा, तुम बहुत ही सच्चे लड़के हो या सच्ची लड़की हो, और तुम बहुत ही झूठी लड़की हो, ठीक है। तो सच्चा, सच्चा का अपोजिट झूठा। चतुर है ना, ये बहुत चतुर है, ठीक है ना, चतुर मतलब चालाक है, बहुत दिमाग से काम लेता है। और मूर्ख यानी कि जो जिसके अंदर ज्यादा होशियारी नहीं है, मूर्ख। जन्म, जन्म का अपोजिट क्या होता है बच्चों, मृत्यु, ठीक है, जन्म लेना और मृत्यु होना। गंदगी है ना, काम, जैसे बच्चे कॉपी पकड़ते हैं, कितनी गंदगी से तुमने काम किया है, काम को कैसे करो, सफाई से काम करो। तो गंदगी का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, सफाई। कीमती, ये पेन बहुत ही कीमती है, फिर हम दूसरा लेंगे, और ये तो बहुत ही सस्ती पेन है, ठीक है। तो कीमती का अपोजिट क्या होगा बच्चों, सस्ते। सम्मान है ना, हमको अपने टीचर्स को सम्मान देना चाहिए, और वही बात, सम्मान का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपमान, हमें अपने टीचर्स का अपमान नहीं करना चाहिए।
संभव, संभव अपोजिट होता है असंभव। संभव मतलब कि हर एक काम पॉसिबल है, ठीक है ना, पॉसिबल है। संभव यानी कि पॉसिबल, ये काम किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल। और असंभव, नहीं किया जा सकता, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो संभव का अपोजिट होता है असंभव। धनी, धनी यानी कि जिसके पास पैसा है, जरूरी नहीं कि पैसे का ही धनी हो, बहुत सारी चीजों का धनी होते हैं। कुछ लोग दिल के बहुत धनी होते हैं, है ना, हर एक चीज बुद्धि के बहुत धनी होते हैं, तो उस चीज की उनके पास ज्यादा अधिकता है, तो उसको बोलेंगे धनी। धनी का अपोजिट होता है निर्धन, जिसके पास वो चीज नहीं होता है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनके पास दिल नहीं होता, तो पैसे की अधिकता है तो वो पैसे के धनी है, और दूसरे के पास पैसा नहीं है तो वो पैसे का, मतलब उसके पास नहीं है तो वो निर्धन कहलाएगा। छोटा, छोटा का अपोजिट क्या होता है बड़ा, है ना, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, तो छोटा, छोटा का अपोजिट बड़ा। तो बच्चों ये हमने कुछ आज अपोजिट्स पढ़े हैं, ठीक है। और विलोम शब्द का सबसे पहले हम जब लिखेंगे कॉपी में, तो सबसे पहले विलोम शब्द का डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन लिखने के बाद ये सारे विलोम शब्द हम लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हिंदी में आज हमने ये पढ़ा है, वापस आपको फिर मैं बता रही हूँ काम कहाँ आपको करना है। जो आपकी CW कॉपी है, जहाँ तक अभी VS सर ने आपको अभी तक जहाँ तक पढ़ाया था जस्ट हिंदी में, जस्ट उसके आगे से ही आपको ये काम करना है। हिंदी में आपने जहाँ तक पढ़ा था ना, बस उसके आगे से ही ये काम करना है। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों। सबसे पहले आपको चैप्टर लिखना है, ये हिंदी, हिंदी में आपको विलोम शब्द ये चैप्टर डालना है। उसके बाद आप लिखेंगे ये डेफिनेशन, है ना, विलोम शब्द का। बच्चों ये हम डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, विलोम शब्द लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मोटा, पतला, नर, नारी, ठंडा, गर्म, अंधकार, प्रकाश, उदय, अस्त, सुख, दुख, सावधान, असावधान, ऐसे ये करते हुए बच्चों, और ये पूरा यहाँ से आप देखिए शॉर्ट स्क्रीन लेना शुरू करिए। यह हमारा ये चैप्टर हो गया, ठीक है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आगे ये बच्चों वीडियो को पॉज करके आप शॉर्ट स्क्रीन लेते चलना। नेक्स्ट हमारा ये है, नेक्स्ट हमारा ये है बच्चों, उसके आगे यहाँ तक ये हो गया। अब हम पीछे का देखेंगे, यहाँ बच्चों ये देखिए, यहाँ सब लिखेंगे आगे, इसका आप लोग इसको पॉज करके इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और उसके बाद हमारा ये डेफिनेशन मैंने लास्ट में लिख रखा है, लेकिन आपको कहाँ करना है, सबसे पहले, है ना, आगे सबसे पहले ये डेफिनेशन लिख करके और फिर ये सारी चीज़ें लिखनी है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।